हेलो स्टूडेंट्स, नीरज टेक्निकल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं रवि सर आपको पढ़ा रहा हूँ पावर इंजीनियरिंग। आज हम पावर इंजीनियरिंग का लेक्चर 7 देखेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे डुअल साइकिल के एफिशिएंसी के बारे में। तो अभी तक हमने देखा है ऑटो साइकिल, डीएल साइकिल, कार्नोट साइकिल, इन सभी के डेरिवेशन, उस पर एक क्वेश्चन हमने किया। आगे हम डुअल साइकिल के बाद हम सभी साइकिल पर फिर से एक क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज डुअल साइकिल क्या है और उसके डेरिवेशन को जानते हैं। डुअल साइकिल इज ऑल्सो नोन एज सेमी डुअल साइकिल। डुअल साइकिल भी डुअल साइकिल की तरह ही वर्क करता है। उसमें भी हम पहले एयर फिर मतलब फ्यूल डालते हैं, ऐसा ही करके मतलब डुअल साइकिल की तरह ही वर्क करता है, इसलिए हम उसे सेमी डुअल साइकिल कहते हैं। और इसकी जो है कंप्रेशन रेशियो वो डुअल साइकिल से कुछ कम होती है। मैंने उन सब लेक्चर में आपको कंप्रेशन रेशियो के बारे में वैल्यू के बारे में नहीं बताया था। तो जैसा कि हम जानते हैं ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल, ये दोनों साइकिल हमने पढ़ लिया था, ठीक है। तो ऑटो साइकिल का जो कंप्रेशन रेशियो है मतलब आर की वैल्यू जो है वो वैरी करती है 6 to 10 के बीच। डीजल साइकिल की हमारी जो वैल्यू है आर की वो वैरी करती है 16 to 20 के बीच। और हमारा जो डुअल साइकिल है उसकी वैल्यू के बारे में क्या लिखे हैं, इट्स कंप्रेशन रेशियो वैरीज बिटवीन ऑटो एंड डीजल, इस दोनों के बीच में। मतलब इसकी वैल्यू कहीं डुअल साइकिल के कंप्रेशन रेशियो की वैल्यू कहीं वैरी करती है हमारी 12 to 16 के अप्रॉक्स। तो यही है, यहाँ हम लिख देते हैं कि 12 to 16। तो ये जान लीजिएगा कि ऑटो साइकिल का वैरी करता है कहाँ से, हाँ 6 to 10, डीजल साइकिल का वैरी करता है 16 to 20, डुअल साइकिल का वैरी करता है 12 to 16। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं और क्या। इट कंसिस्ट ऑफ 5 थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। हमारे ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल या कार्नोट साइकिल में हम पढ़ते थे 4 प्रोसेसेस होता था उन सब साइकिल में। कौन कौन, दो कार्नोट की बात करें तो 2 आइसोथर्मल, 2 आइसेंट्रोपिक। ऑटो की बात करें तो 2 कॉन्स्टेंट वॉल्यूम और 2 हमारा होता था कॉन्स्टेंट एंट्रोपी, यानी कि आइसेंट्रोपिक या रिवर्सिबल एडियाबेटिक कह सकते हैं। इसमें हमारा हुआ 5 थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। कौन कौन से प्रोसेस, 2 रिवर्सिबल एडियाबेटिक, फिर 2 कांस्टेंट वॉल्यूम एंड 1 आइसोबैरिक या कांस्टेंट प्रेशर। इसमें हम देखते हैं जो हमारा डुअल साइकिल का हम जब पीवी डायग्राम देखते हैं उसमें हम देख रहे हैं क्या कि सबसे पहले हमारा क्या हुआ, सक्शन हुआ। सक्शन कैसा होता था हमारा, ये हमारा सक्शन हुआ 0 से 1 तक। फिर 1 से 2 हमारा क्या हुआ, कंप्रेशन हुआ। कौन सा कंप्रेशन, रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन, कंप्रेशन हुआ यहाँ, कंप्रेशन हुआ। फिर हुआ हमारा हीट एडिशन होता था, तो यहाँ 2 प्रोसेस में हीट एडिशन हो रहा है, एक कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट एडिशन हो रहा है और एक कांस्टेंट प्रेशर पे, 2 तरह से हीट एडिशन हो रहा है इसमें। तो डुअल साइकिल में यही है हमारा कि इसमें कांस्टेंट वॉल्यूम पे भी होता है और कांस्टेंट प्रेशर पे भी होता है। डीजल साइकिल में हमारा होता था कांस्टेंट प्रेशर पे, डुअल साइकिल में होता था हमारा कांस्टेंट वॉल्यूम, ऑटो साइकिल पे होता था हमारा कांस्टेंट वॉल्यूम पे। तो यहाँ हमारा दोनों पे होता है। तो इसमें जो देखते हैं हमारा हीट एडिशन जो कांस्टेंट प्रेशर पे होता है, कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट एडिशन होता है वो कांस्टेंट वॉल्यूम के 2 गुना होता है। मतलब यहाँ जितना टाइम तक हम हीट एडिशन कर रहे हैं कांस्टेंट वॉल्यूम पे, उससे 2 गुना टाइम के लिए हमारा कांस्टेंट प्रेशर पे होता है। या कह सकते हैं कि कांस्टेंट प्रेशर पे हम जितना देर हीट एडिशन करते हैं उसका हम 1/2 या 1/3 तक हम हीट एडिशन करते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम पे। अगर हम इससे वैल्यू राइज करते हैं, अगर हम कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट एडिशन ज़्यादा देर तक करते हैं तो सिलेंडर के अंदर कांस्टेंट वॉल्यूम मेंटेन रखना वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम जब हीट दे रहे हैं तो उसका इंटरनल एनर्जी क्या होता है, राइज करता है, तो उसके कारण सिलेंडर फट भी सकता है। इसलिए हम कांस्टेंट वॉल्यूम पे ज़्यादा देर हीट नहीं करते हैं। तो मतलब हाफ हीटिंग इस पे किए या 1/3 इस पे किए, बाकी का हीटिंग हम कांस्टेंट प्रेशर पे हीट एडिशन करते हैं। उसके बाद हमारा होता है क्या, रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन हो जाता है हमारा, जहाँ से हमें वर्क मिलता है। फिर होता है हमारा हीट रिजेक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो हुई बात हमारी पीवी डायग्राम की, डुअल साइकिल की। हम देखते हैं टीएस डायग्राम में क्या है। 1 से 2 हमारा आइसेंट्रोपिक है, तो आइसेंट्रोपिक वर्टिकल। फिर हमारा यह वॉल्यूम कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट एडिशन हुआ, यहाँ पे हमारा हो रहा है हीट एडिशन, यहाँ हो रहा है हमारा हीट एडिशन, यहाँ से हो रहा है हमारा हीट रिजेक्शन।
कांस्टेंट वॉल्यूम लाइन जिसका स्लोप ज्यादा होगा, कांस्टेंट कल मैंने पिछले के लेक्चर में मैंने बताया कि कांस्टेंट वॉल्यूम का स्लोप ज्यादा होगा और कांस्टेंट प्रेशर का स्लोप कम होगा। तो पहले सबसे पहले हमारा कांस्टेंट वॉल्यूम, फिर हमारा होगा कांस्टेंट प्रेशर की लाइन। तो उसके बाद हमारा क्या होगा यहाँ पे एक्सपेंशन, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन, फिर हुआ हमारा हीट रिएक्शन। तो अब हम चलते हैं डेरिवेशन की तरफ। उसमें उस डेरिवेशन की तरफ जाने से पहले हमें तीन चीज जानना बहुत जरूरी है। जैसा कि सबसे पहले इसमें एक नया रेशियो आता है क्या, हमारा प्रेशर रेशियो, प्रेशर रेशियो, या फिर इसको हम कह सकते हैं क्या एक्सप्लोजन रेशियो भी कहते हैं, EXPLOSION, एक्सप्लोजन रेशियो या प्रेशर रेशियो। प्रेशर रेशियो किसको कहेंगे, P3/P2, कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो हमारा प्रेशर का रेशियो आया P3/P2, उसे हम कहेंगे क्या प्रेशर रेशियो। दूसरा है हमारा कट ऑफ रेशियो, जो हमने डीजल साइकिल में पढ़ा था। कट ऑफ रेशियो हमारा क्या होता था, वॉल्यूम आफ्टर हीट एडिशन और वॉल्यूम बिफोर हीट एडिशन का रेशियो। तो वॉल्यूम आफ्टर हीट एडिशन V4 और वॉल्यूम बिफोर हीट एडिशन V3, तो V4/V3 हमारा हो गया कट ऑफ रेशियो। फिर हम बात करते हैं कंप्रेशन रेशियो, कंप्रेशन रेशियो हम सभी जानते हैं V1/V2। तो ये तीनों रेशियो के बारे में हम जान गए। अब हम चलते हैं डेरिवेशन की तरफ। डेरिवेशन इसका जो है डीजल साइकिल की तरह ही है। जैसा कि मैंने इसे कहा कि ये कौन सी साइकिल, मैंने बोला डुअल साइकिल को, और क्या कहते हैं सेमी डीजल साइकिल। तो इसका भी डेरिवेशन हम डीजल साइकिल की तरह ही निकाल सकते हैं। आप खुद भी इसको अपने से सोचकर भी निकाल सकते हैं, कोई हार्ड नहीं है। ऐसे सब सोचते हैं कि इसकी डेरिवेशन बहुत ही हार्ड है, बहुत ही लंबा जाता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हम जब इतना चीज हम जान जाएंगे तो ये तो समझ गया ना, तो हम रफ कर देते हैं, फिर से मैं बता दूंगा जब डेरिवेशन कर रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम डेरिवेशन को। तो सबसे पहले हम डेरिवेशन के लिए पीवी डायग्राम बना लेते हैं। पीवी डायग्राम हम बना लेते हैं। पहले हमारा कांस्टेंट वॉल्यूम, तो कांस्टेंट प्रेशर, तब हमारा हीट रिएक्शन होगा कांस्टेंट वॉल्यूम पे। 1, 2, 3, 4, 5 यहां से क्या, यहां क्लॉकवाइज होगा, क्लॉकवाइज मतलब पावर प्रोड्यूसिंग साइकिल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम डेरिवेशन। सबसे पहले हमारा क्या होगा हीट, सबसे पहले हम इसमें क्या निकालेंगे, हीट एडिशन, हीट एडिशन निकालेंगे। हीट एडिशन हमारा क्या होगा, दो प्रोसेस में हो रहा है, यहां भी हो रहा है और यहां भी हो रहा है, यहां भी हीट एडिशन हो रहा है और यहां भी हीट एडिशन हो रहा है। तो सबसे पहले हमारा कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रहा है, मास कंसीडर कर लेते हैं हम कितना, m इक्वल्स टू 1 kg कंसीडर कर लेते हैं। तो 1 kg जब हम कंसीडर कर लिए तो m तो मेरा 1 हो जाएगा। तो अब मेरा जब कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रहा है तो क्या होता था हमारा, हीट एडेड mcvdt, या फिर कांस्टेंट प्रेशर पे हो तो mcpdt। तो मास हमारा हुआ 1 kg, तो क्या लेंगे हम cvdt, मतलब चेंज इन टेम्परेचर। तो क्या होगा हमारा T3 - T2, ये हो गया इस पे प्लस, प्लस दो बार हीट एडिशन हो रहा है, तो इसमें हमारा क्या होगा mcpdt। तो dt हमारा क्या होगा T4 - T3, यही होगा ना, T4 - T3 हो जाएगा। यहाँ हमारा T3 - T2, ये होगा हमारा हीट एडिशन। अब हम निकालते हैं हीट रिजेक्शन। हीट रिजेक्शन की बात करते हैं तो हमारे सिर्फ कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रहा है, तो CV और टेम्परेचर चेंज कितना हो जाएगा T5 - T1, CV T5 - T1। अब हम यहीं से अगर हम डायरेक्ट एफिशिएंसी लिखते हैं तो एफिशिएंसी हमारा क्या होगा, वर्क क्या होता है हमारा, वर्क डन बाय हीट सप्लाइड। तो वर्क डन क्या होगा हमारा, हीट एडेड माइनस हीट रिजेक्टेड, हीट एडेड माइनस हीट रिजेक्टेड अपॉन में हीट एडेड, ये होगा हमारा। तो यहां हम लिखते हैं क्या, CV T3 - T2 प्लस CP T4 - T3, ये हुआ हमारा क्या हीट एडिशन, माइनस हीट रिएक्शन हमारा क्या हुआ CV T5 - T1 अपॉन में क्या आएगा हमारा हीट एडिशन। तो हीट एडिशन मतलब यही पार्ट, CV T3 - T2 प्लस CP T4 - T3।
ठीक है, टी फोर माइनस टी थ्री आ जाएगा, तो ये पार्ट और ये पार्ट कैंसिल हो जाएगा, तो हम इसके बाद क्या लिख सकते हैं, इफिशियंसी इक्वल्स टू वन माइनस सी वी टी फाइव माइनस टी वन अपॉन सी वी टी थ्री माइनस टी टू, टी थ्री माइनस टी टू प्लस सी पी टी फोर माइनस टी थ्री। ठीक है, इतना तक आ गया हमारा इफिशियंसी, क्या है अभी तक हमारा, वन माइनस सी वी टी फाइव माइनस टी वन अपॉन सी वी टी थ्री माइनस टी टू प्लस सी पी टी फोर माइनस टी थ्री। अब हम यहाँ क्या करेंगे, सी वी को नीचे ले आते हैं, नीचे डिवाइड करेंगे तो ये सी वी कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ हमारा क्या बन जाएगा, वन माइनस टी फाइव माइनस टी वन अपॉन सी वी, सी वी कैंसिल हो जाएगा टी थ्री माइनस टी टू प्लस सी पी बाई सी वी गामा, सी पी बाई सी वी गामा टी फोर माइनस टी थ्री। इतना तक आ गया हमारा। अब मैंने बताया कि इसका भी हम डेरिवेशन डीएल साइकिल की तरह करेंगे, मतलब सबको हम टी वन के रेस्पेक्ट में चेंज कर देंगे, तो चलिए हम चेंज करके देखते हैं। तो चेंज करने के लिए हमें ये मिटाना होगा, वहां तक हम रहने देते हैं वहां, तो अब चलते हैं हम प्रोसेस में। सबसे पहले प्रोसेस कौन सा जाएंगे हम, वन से टू जाते हैं, वन से टू में हमें क्या मिलेगा, वन और टू में रिलेशन मिलेगा, तो हमने पढ़ा है क्या, टी टू बाई टी वन। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं वी वन बाई वी टू का पावर गामा माइनस वन, क्लियर है इतना, ये सभी को समझ में आया होगा क्योंकि मैंने बताया था टीवी गामा, टीवी का पावर गामा माइनस वन इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है क्या हमारे आइसोट्रोपिक के लिए, तो उसी से रिलेशन से हमारे पास ये आता है T2 by T1 equals to V1 by V2 का पावर गामा माइनस वन। तो यहां से हमारे पास T2 क्या आ जाएगा, T1 और V1 by V2 को मैंने क्या लिखा था, V1 by V2 हमारे क्या है, कंप्रेशन रेशियो है, V1 by V2 कंप्रेशन रेशियो R, R का पावर गामा माइनस वन, यह है हमारा क्या पहला रिलेशन T2 और T1 में। फिर हम चलते हैं किसमें, प्रोसेस टू थ्री में जाएंगे, टू थ्री में जाएंगे, तो यह हमारा क्या है कॉन्स्टेंट वॉल्यूम है, तो कांस्टेंट वॉल्यूम है तो हम जानते हैं PV बराबर क्या जानते थे, एम आर टी, एम आर तो कांस्टेंट हो गया यानी कि PV बाई टी बराबर कांस्टेंट लिख सकते हैं। तो यहाँ हमारा वॉल्यूम, वॉल्यूम तो कांस्टेंट है तो हम लिख सकते हैं क्या, पॉइंट टू और पॉइंट थ्री के लिए P2 टू बाई टी टू इक्वल्स टू पी थ्री बाई टी थ्री, क्योंकि यहाँ पे क्या है मेरा वॉल्यूम कॉन्स्टेंट है, वॉल्यूम मेरा कॉन्स्टेंट है तो ये लिख सकते हैं। तो हमारे पास क्या आएगा टी थ्री बाई टी टू, यहीं से अगर हम चेंज करते हैं तो चलिए यहाँ लिखते हैं, हमारे पास क्या आएगा T3 थ्री बाई टी टू इक्वल्स टू पी थ्री बाई पी टू, टी थ्री बाई टी टू इक्वल्स टू पी थ्री बाई पी टू आ जाएगा। तो पी थ्री बाई पी टू हमारा क्या था, प्रेशर रेशियो था जो जिसे हमने अल्फा से डिनोट किया था अल्फा, तो टी थ्री इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारे पास टी टू अल्फा आ जाएगा, और टी टू का वैल्यू मेरे पास क्या है टी वन आर अल्फा, तो टी थ्री इक्वल्स टू आ गया हमारे पास क्या टी वन अल्फा आर का पावर गामा माइनस वन, टी थ्री का वैल्यू हमारे पास इतना आ गया, टी थ्री का वैल्यू आ गया, टी टू का वैल्यू आ गया, अब हमें निकालना है टी फोर का। तो चलते हैं प्रोसेस थ्री फोर में, थ्री फोर प्रोसेस जैसे हमारा क्या है कांस्टेंट प्रेशर, तो इसमें क्या होगा प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा तो हमारे पास वी और टी में रिलेशन आएगा, तो वी और टी में रिलेशन क्या आएगा वी बाई टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट आएगा, यानी कि वी थ्री बाई टी थ्री इक्वल टू V4 by T4, यही रिलेशन आएगा, यहाँ भी V by T ही है, V by T ही आएगा तो यही रिलेशन आएगा हमारे पास। तो अगर हम निकालते हैं V4 by V3, तो यहाँ T4 by T3 equals to V4 by V3 हो जाएगा हमारे पास, तो V4 by V3 ये क्या है हमारा V4 by V3, यानी वॉल्यूम एडेड आफ्टर सॉरी वॉल्यूम आफ्टर हीट एडिशन और वॉल्यूम बिफोर हीट एडिशन, इसी को हम बोलते हैं क्या कट ऑफ रेशियो, इसी को हम बोलते हैं कट ऑफ रेशियो, यानी कि हमारा रो। तो T4 इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ गया T3 इंटू रो, और T3 का वैल्यू हमें पता है तो यहां से हम लिख सकते हैं T4 के वैल्यू को, T4 का वैल्यू हमारे पास क्या आ गया, T4 का वैल्यू आ गया हमारे पास T3 का वैल्यू है हमारे पास T1 अल्फा इंटू आर का पावर गामा माइनस वन
इंटू यहां वाला रो, कितना आ गया हमारे पास, क्या टी फोर का वैल्यू आ गया हमारे पास, तो टी टू आ गया, टी थ्री आ गया, टी फोर आ गया, तीनों को हम लिख लेते हैं यहां पे। टी टू हमारे पास कितना आया, टी वन आर का पावर गामा माइनस वन, फिर टी थ्री हमारे पास कितना आया, टी वन अल्फा आर का पावर गामा माइनस वन, टी फोर हमारे पास कितना आ गया, टी वन अल्फा रो आर का पावर गामा माइनस वन, इतना आ गया। अब हम निकालते हैं क्या टी फाइव के वैल्यू को, टी फाइव निकालने के लिए हमें प्रोसेस में जाना होगा, कौन सा, फोर फाइव प्रोसेस। अब हम जाएंगे किस प्रोसेस में, प्रोसेस फोर टू फाइव, प्रोसेस फोर टू फाइव कौन सा है, ये आइसेंट्रोपिक है तो यही प्रोसेस लगेगा, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है फोर टू फाइव के लिए। तो क्या हम बोलते थे, टी वी गामा माइनस वन इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यही बोले थे, तो टी फोर वी फोर गामा माइनस वन इक्वल टू टी फाइव वी फाइव गामा माइनस वन। अब हम जब निकालेंगे तो हमारा क्या होगा, वी फाइव बाई वी फोर, तो वी फाइव बाई वी फोर यानी कि टी फोर बाई टी फाइव अगर हम करते हैं तो हमारा वी फाइव बाई वी फोर का पावर गामा माइनस वन आया इतना। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट लाइन में, टी फोर बाई टी फाइव, अब बताओ कि वी फाइव और वी वन दोनों इक्वल है, ये हमारा कौन सा प्रोसेस होता है, कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, तो वी फाइव और वी वन दोनों इक्वल आएगा, तो हम वी फाइव की जगह वी वन लिख सकते हैं, वी वन लिख दिया, अपॉन में वी फोर है, वी फोर है, तो अब हम वी टू से दोनों तरफ क्या करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं अपॉन वी फोर, है इतना, ये लाइन आया हमारे पास। अब क्या होगा, यहां से हमारे पास निकल जाएगा क्या, वी वन बाई वी टू हमारे पास तो आ जाएगा, चलिए लिख लेते हैं टी फोर बाई टी फाइव, वी वन बाई वी टू हमारे क्या था, कॉम्प्रेशन रेशियो है वी वन बाई वी टू, तो आर हो जाएगा हमारा, आर हो गया, अब वी टू बाई वी फोर, वी टू बाई वी फोर तो कुछ है नहीं, तो वी फोर को आप देख सकते हैं, सॉरी वी टू बाई वी फोर आ गया ना, वी टू बाई वी फोर आ गया, तो यहां हम कर सकते हैं क्या, वी टू और वी थ्री इक्वल है, वी टू और वी थ्री इक्वल है, तो हम वी टू की जगह लिख देते हैं क्या, वी थ्री, वी थ्री बाई वी फोर गामा माइनस वन, वी टू और वी थ्री इक्वल है, वी टू और वी थ्री, यहां देखिए ये भी तो कॉन्स्टेंट वॉल्यूम है ना, कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पर हीट एडिशन हो रहा है, तो वी टू और वी थ्री इक्वल है हमारा, तो हम वी टू की जगह क्या कर दिए, वी थ्री लिख दिए, तो अब हमारे पास जो रिलेशन आएगा टी फोर अपॉन टी फाइव वो क्या आएगा, आर वी थ्री अपॉन वी फोर, तो हमारे पास वी फोर अपॉन वी थ्री का तो पता है क्या, कट ऑफ रेशियो वी फोर अपॉन वी थ्री, यही था ना हमारा कट ऑफ रेशियो, वी थ्री वी फोर मतलब हो गया वॉल्यूम आफ्टर हीट एडिशन, और वी थ्री हो गया वॉल्यूम बिफोर हीट एडिशन, तो वी फोर बाई वी थ्री हमारा रो पता है, यहाँ उसका रेसिप्रोकल है, तो हम लिख सकते हैं वन बाई रो, इसका वैल्यू वन बाई रो, तो आर बाई रो का पावर गामा माइनस वन, ये हमारे पास क्या आया टी फोर बाई टी फाइव का, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं टी फाइव का वैल्यू क्या आएगा हमारे पास, टी फाइव इक्वल्स टू क्या आएगा, टी फोर रो का पावर गामा माइनस वन अपॉन आर का पावर गामा माइनस वन आएगा, रो का पावर गामा माइनस वन अपॉन में आर का पावर गामा माइनस वन, इसी को और हम क्या लिख सकते हैं टी फाइव को, टी फोर का वैल्यू पुट कर देंगे, तो टी वन अल्फा रो आर का पावर गामा माइनस वन आर का पावर क्या लिख दिए, टी वन अल्फा रो आर का पावर गामा माइनस वन इंटू रो का पावर गामा माइनस वन अपॉन में आर का पावर गामा माइनस वन, तो आर का पावर गामा माइनस वन आर का पावर गामा माइनस वन कैंसिल आउट हो जाएगा, और रो ये तो यहाँ हमारा क्या बचेगा टी फाइव का वैल्यू, यहाँ नीचे लिख देते हैं तो यहां से हमारे पास टी फाइव का वैल्यू क्या आएगा, टी वन अल्फा इसमें प्लस वन है यहाँ माइनस वन है तो रो का पावर गामा, और कुछ तो नहीं आएगा, तो टी फाइव का वैल्यू हमारा इतना आ जाएगा, तो अब इन सभी वैल्यू को हम पुट करते हैं उसमें, पुट करके देखते हैं कितना आता है, जो आएगा वही हमारा क्या होगा इफिशियंसी होगा, तो चलिए इफिशियंसी हमारा इतना था, इसमें हम वैल्यू पुट करके देखते हैं, ठीक है वैल्यू पुट करके देखते हैं,
इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, एफिशिएंसी इक्वल्स टू 1 माइनस टी फाइव माइनस टी वन दिया है, तो टी फाइव की वैल्यू इतना है हमारे पास टी वन अल्फा रो की पावर गामा माइनस टी वन, इतना हो जाएगा अपॉन में टी थ्री माइनस टी टू होगा सबसे पहले, तो टी थ्री माइनस टी टू का वैल्यू कितना होगा टी वन अल्फा आर का पावर गामा माइनस वन माइनस टी टू हमारे कितना है टी वन आर का पावर गामा माइनस वन, ये हुआ हमारा टी थ्री माइनस टी टू। और प्लस में क्या है हमारे पास, प्लस में हमारे पास क्या है गामा टी फोर माइनस टी थ्री, तो टी फोर की वैल्यू टी वन अल्फा रो आर की पावर गामा माइनस वन माइनस टी थ्री, तो टी थ्री की वैल्यू हमारे पास क्या है टी वन अल्फा आर की पावर गामा माइनस वन, ठीक है ऐसे समझ में आ रहा होगा नहीं, इसे नीचे लिख देते हैं। यहां से निकालते हैं, ठीक ये वाला प्रोसेस जो है हम यहां से करते हैं, ठीक है ना। तो लिखते हैं एफिशिएंसी इक्वल्स टू 1 माइनस वैल्यू टी फाइव माइनस टी वन, टी फाइव की वैल्यू आ गई टी वन अल्फा रो की पावर गामा माइनस वन माइनस क्या टी वन तो है यहाँ अपॉन टी थ्री माइनस टी टू, तो टी वन अल्फा आर की पावर गामा माइनस वन माइनस टी वन आर की पावर गामा माइनस वन, और प्लस में गामा टी वन अल्फा रो का पावर गामा टी वन अल्फा, यहाँ क्या है टी फोर ना है, सॉरी बोलना चाहिए ना टी फोर है, टी फोर है, टी फोर की वैल्यू हमारी क्या है टी वन अल्फा रो आर की पावर गामा माइनस वन माइनस टी थ्री, टी वन अल्फा आर की पावर गामा माइनस वन गामा माइनस वन, टी वन अल्फा आर की पावर गामा माइनस वन, ये वाली वैल्यू वहां होगी। अब हम इसमें से टी वन सबको कॉमन निकाल देते हैं, कट जाएगा ऊपर नीचे, उसके बाद हमारे पास क्या बचेगा, टी वन तो सबको निकाल दिए तो हमारे पास बचा क्या अल्फा रो की पावर गामा माइनस वन, ऊपर में ये बचेगा अपॉन में, नीचे क्या बचेगा टी वन हटा दिए सब में से, और क्या हमारे पास कॉमन आ सकता है आर का पावर गामा माइनस वन, देखिए हमारे पास कॉमन आएगा आर का पावर गामा माइनस वन आर का पावर गामा माइनस वन आर का पावर गामा माइनस वन, और वहां भी, तो आर की पावर गामा माइनस वन को हम बाहर निकाल लेते हैं, टी वन तो कैंसिल आउट हो गया, यहाँ बचा क्या ये भी निकल गया अल्फा माइनस में वन, इतना बचा, यहाँ की बात करें तो प्लस गामा टी वन खत्म हो गया आर के पावर गामा माइनस वन मैंने निकाल दिया, तो अल्फा रो माइनस यहाँ टी वन खत्म हो गया आर के पावर गामा माइनस वन खत्म हो गया यहाँ अल्फा बच गया। तो अब हम इसमें से क्या कर सकते हैं एफिशिएंसी बराबर हम लिख सकते हैं 1 माइनस अल्फा रो का पावर गामा माइनस वन अपॉन आर की पावर गामा माइनस वन इंटू अल्फा माइनस वन प्लस गामा अल्फा रो माइनस वन, ये हमारी क्या आ जाएगी इफिशियंसी ऑफ डुअल साइकिल, हमारी डुअल साइकिल की इफिशियंसी आ जाएगी। इतना प्रोसेस हमें करना होगा तब जाके हमें डुअल साइकिल की इफिशियंसी मिलेगी। हमें बस कुछ नहीं करना था, सबकी वैल्यू को हम टी वन में कन्वर्ट करके उसे हम पुट कर देंगे, तो हमारे पास इफिशियंसी रिक्वायर्ड क्या आई वो जरा हम लिख लेते हैं अच्छे से। हमारे पास रिक्वायर्ड इफिशियंसी ऑफ डुअल साइकिल आई क्या 1 माइनस अल्फा रो के पावर गामा माइनस वन अपॉन में आर की पावर गामा माइनस वन इंटू अल्फा माइनस वन प्लस गामा अल्फा रो माइनस वन, जहां पे अल्फा क्या है, अल्फा है हमारा प्रेशर रेशियो, प्रेशर रेशियो अल्फा, रो क्या है हमारा कट ऑफ रेशियो, आर क्या है हमारा कंप्रेशन रेशियो। तो यहां पे हमारी क्या डेरिवेशन ऑफ डुअल साइकिल खत्म होती है। तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इस पे न्यूमेरिकल, कुछ साइकिल्स पे न्यूमेरिकल करेंगे। तो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।